सो हाय भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेंटर पॉइंट के मर पर। तो गाइस आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर का जब आपको पेमेंट कैंसिल होता है, मतलब कि आपका डायमंड वगैरह नहीं मिल पाता लेकिन आपका पैसा कट जाता है, तो यहाँ पर इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे फ्री फायर के जितने भी आपने डायमंड वगैरह परचेस किए रहोगे, जितना भी पैसा खर्च किए रहोगे, वो सभी पैसे वापस आ जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिफंड के बारे में। अगर आपका पेमेंट कैंसिल हो गया, आपका डायमंड वगैरह नहीं मिल पाया, या फिर किसी और तरीके से आपका पैसा कट गया, या फिर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पेमेंट से रिलेटेड, या फिर आपका पैसा वगैरह नहीं मिल पाया, पैसा कट जाता है लेकिन हमेशा डायमंड वगैरह नहीं मिलता, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर पर रिफंड कैसे किया जाता है, और उसका सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका पैसा जो है वो 100% मिल जाएगा, वो भी सिर्फ एक घंटे के अंदर। जी हाँ, सिर्फ एक घंटे के अंदर। और उसको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या क्या, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इससे आईडी बैंड होती है या नहीं होती, हर चीज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्री फायर के ऐसे वीडियोस के लिए। सो लेट्स गाइस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में गाइस हम बेसिकली बात करेंगे कि रिफंड कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफंड आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन किन कंडीशन में रिफंड करना चाहिए, और आपका पैसा कैसे वापस होता है। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर का सबसे मिस्टेक बताता हूँ। एक तरीके से आपके लिए हो सकता है, मतलब डाउट्स हो सकता है, मान लीजिए आपका ये डाउट रहेगा। तो यहाँ पर कई बंदे सोचते हैं कि मतलब रिफंड कर रहे हो तो आपका अकाउंट आईडी, मतलब फ्री फायर का जो ग्रीन ऑफ फ्री फायर का आईडी रहता है वो बैन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका कोई मतलब फिक्स वो नहीं रहता कि आईडी बैन होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ यार कई कई बंदों का आईडी बैन हो जाता है। तो यहाँ पर काफी सारे बंदे डरते हैं कि इस चीज को करने से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 100% श्योर बोल सकता हूँ कि अगर आपका पेमेंट मतलब कैंसिल हो गया, आपका पैसा कट गया, लेकिन आपका जो है टॉपअप वगैरह नहीं होता, कभी कभी होता ही है यार, आपको लग रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होता, मेरे साथ ऐसा हुआ था, 150 रुपए का जो टॉपअप किया था लेकिन मेरा पैसा कट गया, लेकिन डायमंड नहीं मिला, मैं तुरंत रिफंड किया, मेरे को एक घंटे के अंदर मेरा पैसा वापस मिल गया, वो भी जहां से टॉपअप किया था ना वहां पर आपको मिल गया। तो काफी सारे बंदे का ये भी डाउट रहता है। तो यहां पर आपको बता दूं कि अगर आपने मतलब अपने ओरिजिनल आईडी पे फ्री फायर पर टॉप किया है, आपका डायमंड वगैरह मिल गया है, तो आप कभी भी इसको मत करना। लेकिन काफी सारे बंदे क्या करते हैं, अपने गेस्ट अकाउंट पर टॉप करते हैं फिर वहां से रिफंड करते हैं, तो ये काफी सारे बंदे की उल्टी सीधी मतलब हरकतें रहते हैं। तो आप इन सब चीज को देख लेना, गेस्ट पर करना चाहते हो तो अपने हिसाब से देख लो। तो यहाँ पर सभी तो क्लियर हो चुका है कि अपने ओरिजिनल आईडी पर करोगे तो चांस रहता है अकाउंट बैन हो जाता है, लेकिन कई कई बंदे बोलते हैं कि हमारे मतलब सारे पैसे वापस हो चुके हैं, तो इसको अपने हिसाब से देख लेना गेस्ट पर करना चाहते हो तो। सो गाइस यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है, क्योंकि काफी सारे बंदे उल्टे सीधे तरीके कर लेते हैं जिससे काफी सारे उनका प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी तो अकाउंट का बैन भी सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम वैसा करना। यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं, कई बंदों का प्रॉब्लम आता है कि मतलब उनका रिफंड करने जो वेबसाइट रहता है गूगल प्ले स्टोर का, वो वेबसाइट ही ओपन नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अभी आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर मैं फोन के ऑफिशियल ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, जो कि डिफॉल्ट होता है, जिसको ना ही आप अनइंस्टॉल कर सकते हो ना ही डिसेबल कर सकते हो। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं क्रोम की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसी ब्राउजर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके फोन के अंदर रहता है ना, जैसे कि मेरे फोन के अंदर ये वाला है, मेरे फोन के अंदर इसको मैं डिसेबल भी नहीं कर सकता, तो ये वाला ब्राउजर को यूज करना, क्योंकि क्रोम में ऐसा फीचर मतलब क्रोम वाला जो मतलब क्रोम में जब भी ओपन करोगे ना गूगल प्ले स्टोर का साइट को, तो वहां पर से मतलब फेंक देता है, मतलब आपके फोन का जो ब्राउजर रहता है वहां पर जाकर फेंक देता है, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहां पर अब मैं आपको सबसे पहला इसका मतलब बताया था प्रॉब्लम इसमें होता क्या है, कि आप जब भी मतलब फ्री फायर पर टॉप किए रहोगे ना, तो वहां पर टॉपअप होता कहां से है, या तो अपने फोन पे से किया, या फिर पेटीएम से किया, या गूगल पे से किया। तो वहां पर आप जहां से भी किए रहोगे आपका पैसा जो है कटता है, उसका ऑर्डर हिस्ट्री रहता है, तो वो तो आपका मेल में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपने जो भी मेल आईडी लॉगिन किया है ना, उस मेल आईडी पर लोड हो जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपका मेल अकाउंट में मतलब कि मेल आईडी पर गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कब कब टॉप की हो ये सब आपका मतलब मेल आईडी पर ऐड रहता है। तो आपका जिस मेल आईडी जब भी टॉप की हो, उस मेल आईडी मतलब आपने फ्री फायर पर जब भी टॉप किया था, तो वहाँ पर मतलब आपका उस टाइम गूगल प्ले स्टोर पर कौन सा मेल अकाउंट लॉगिन था, उस मेल अकाउंट का आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल लेना सिंपल से अपने ब्राउजर पर। ब्राउजर पर डालने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सिंपल से यहाँ पर लिख देना है googleplaystore.com, या फिर आप लिख सकते हो www करके भी लिख सकते हो। फिर आपके सामने ऐसा गूगल प्ले स्टोर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। फिर भाई लोग यहाँ पर सिंपल से इसको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको चेक कर लेना आपका जो मेल अकाउंट है वो वही है या नहीं, जब भी टॉप किए थे तो वो वही मेल अकाउंट है या नहीं। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपके अकाउंट
पर मतलब ऐड रहता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल से अपने अकाउंट के सेक्शन को ओपन कर लेना है। अकाउंट के सेक्शन को ओपन करोगे फिर यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि कब कब इसमें आपने ऑर्डर किया था, टॉपअप किए थे, वो सभी आपको दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको सिंपल से ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई लोग यहाँ पर जितने भी टॉप किए रहोगे, जहाँ पर भी टॉप किए रहोगे, तो वो सभी यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पर देख सकते हो मेरा कुछ ज़्यादा ही टॉपअप हो चुका है फ्री फायर पर, 29 रुपये, 150 रुपये, 400 रुपये जितना का भी है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कितने सारा यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका डेट रहेगा ना उसी का दिखाएगा, आपका मेल आईडी मतलब आपने किसी अपने दोस्त के में किया था, यूआईडी वगैरह ये सब नहीं दिखाएगा, आपका सिर्फ डेट दिखाएगा किस डेट पर आपने टॉप किया था। तो यहाँ पर आपको आपको रिफंड कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। जहाँ पर आप देख सकते हो हर जितने भी टॉप किया हूँ वहाँ पर आपको दिखा रहा है रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो यहाँ पर सिंपल से इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे डर जाते हैं कि किस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से हमको पैसा मिलेगा। तो भाई लोग यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हो आई डिड, यहाँ पर मतलब मैंने टॉप किया लेकिन मेरे को डायमंड नहीं मिला। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कर लीजिए, या फिर कुछ दूसरा प्रॉब्लम मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा रहा है वो वाला प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिंपली ज़्यादातर बंदे इसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में अपना कहानी किस्सा बताना है कि क्या क्या हुआ था आपके साथ। तो यहाँ पर आप कहानी किस्सा जानते हो अपने बारे में अच्छे से क्या क्या हुआ था, तो वो सभी हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखने ला, लेकिन कैसे आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है मतलब ईजिली आप समझ मतलब वो लोग समझ जाएंगे और आपका ज़्यादा चांस रहेगा पैसे वापस मिलने का। तो यहाँ पर अगर आप वो सब नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल से लिख दोगे तब भी आपका पैसा वापस मिल जाएगा, यहाँ पर मतलब रिफंड ले सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिखना प्लीज़ रिफंड, यहाँ पर आपको लिख देना है प्लीज़ सर रिफंड, या फिर प्लीज़ रिफंड भी लिख सकना। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है, बस भाई लोग यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना, आपका काम पूरा हो गया। आपको अब आप आगे मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई भी टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर आपका पैसा जो है वो कहाँ फंसा है वो मैं आपको आखिरी बार मतलब क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस, यहाँ पर आप फ़ोनपे से किया या पेटीएम से किया, जहाँ से भी किया, तो मेरे ख्याल से कैसे आपका जो पैसा रहेगा ना वो फ़ोनपे गूगल पे ये सब में हो सकता है मतलब आएगा, इसका 10% चांस है, मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपका जहाँ से अगर आपने गूगल पे से किया तो गूगल पे में डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि आपका जो गूगल प्ले का बैलेंस होता है ना, गूगल प्ले का मतलब आपने जिस मेल आईडी से यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री रहता है उसी मेल आईडी के गूगल प्ले बैलेंस होता है, वहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, मेरे को ऐसा ही लगता है। मैंने जब यहाँ पर टॉप किया था तो मैंने रिफंड किया तो मेरा तो वहीं पर गूगल प्ले बैलेंस में चला गया, तो हो सकता है आपका गूगल प्ले बैलेंस में चला जाए। तो गूगल प्ले बैलेंस चेक करना तो आपको अच्छे से आता होगा, वैसे ही आपको मतलब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, जहाँ मैंने मतलब कि जहाँ से मैंने आपको रिफंड करना बताया वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके भी देख सकते हो। तो आई थिंक यार सब चीज़ तो मैं आपको बता दिया, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, कमेंट में आपको तुरंत मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो आशा करता हूँ गाइस आपको हर चीज़ पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। सो भाई लोग अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये सब चीज़ मैं ट्रिक बताया वो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।